यह वीडियो काल्पनिक है। किसी भी तरह से यह वीडियो किसी की धारा का अपमान नहीं करता है। अलग अलग के पेशों के लोगों को यह वीडियो के मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। Hey, y'all, come look at this. तो अभी जैसा कि आप न्यूज में देख रहे होंगे जी कि आदमी बिना पासपोर्ट बिना वीजा के उछल के इधर से उधर पहुंच जा रहा है। सही बात है। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो पाकिस्तान की है, बीमा है दर। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। छह बच्चों के साथ बिना पासपोर्ट बिना वीजा के लंपू सचिन नाम के एक व्यक्ति से मिलने यहाँ पे आ गई है। अभी मजा आएगा ना, भिड़ो आया है। पड़ोसी भी दिख रहे हैं, इनसे बात करते हैं। आप पड़ोसी हैं क्या? हाँ, पड़ोसी हैं। अच्छा जी, तो ये बताइए कि पाकिस्तान से औरत लेके आ जा रहे हैं आपके पड़ोसी, तो कैसा लग रहा है आपको? आप कहा बताएं, ये सब देख देख के तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। अच्छा, सचिन सचिन कहा है? सचिन में लप्पू सा तो है, सचिन मुंह में बोला उसके जात ना है। बोलना उसे आता नहीं है, खड़ा उसका होता नहीं है, झिंगूर सा लड़का है सचिन। कोई उसके लिए नाला पार ना करे, पाकिस्तान से आएगी मतलब नहीं आना चाहिए। दाल में कछू तो काला है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये देखिए, यहाँ पे हमें खबर मिली दाल में कुछ काला, और साथ ही साथ है कि लंपू सचिन का खड़ा नहीं होता है। क्या बात कर रहे हैं? आपको स्वागत है दागा न्यूज में। देखिए लाइव यहाँ पे एक्सक्लूसिव बैठी हुई है बीमा हैदर, और उनके साथ एक बच्चा भी है, उनका छह बच्चों में से एक। ये क्या बात करता है यार? सचिन सचिन है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम लंपू सचिन हो जी? हाँ, हम ही। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अच्छा, तो पहली बार कहाँ मिले थे आप लोग? हम लोग एक पबजी गेम में मिले थे। अच्छा, पबजी में? तो इंडिया में तो पबजी बैन हो गया ना जी? हैं, बेटा चालू हो गया, पबजी चालू हो गया था। नहीं, मैं नहीं मानता। ये जो छह बच्चे हैं आपके जी, तो छह बच्चों में सबसे छोटा किसका क्या है उम्र? 2 साल है। सबसे छोटा 2 साल का है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ठीक है, तो अपने पति जो थे तो कुछ तो देते ही होंगे, पति को छोड़ के क्यों आ गई आप? सर वो हमेशा काम में बिजी रहते थे, और इसमें कटार में 4 साल हो गया, आज घर नहीं आए। समझ रहे हो आप? मतलब कतर में थे 4 साल से घर नहीं आए हैं, और छोटा बच्चा का 2 साल का है। वेरी वेरी स्ट्रेंज, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो मतलब तुम साला जासूसी करने तो नहीं आई हो जी? हाँ। नहीं सर, मैं कोई गलत आदमी नहीं हूँ, ना ही कोई जासूस हूँ। बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। यहाँ जासूसी करने नहीं है, मैं इनके प्यार में आई हूँ। यही तो डाउट है कि इनके प्यार में आई हो? इसके प्यार में आ गई हो? हम लोगों को बोला साला गली में नहीं आई, अभी पाकिस्तान से इनके लिए आई है। चेहरा देखिए इनका। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये देखिए, कहना है कि इनसे प्यार करती है। और अच्छा, एक और बात बताइए, जो 6 बच्चे हैं आपके, बाथरूम से आई? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। कितना बाथरूम जाती है जी? बार 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 बाथरूम? तुमको साला यहाँ पे कोई नहीं मिला था इंडिया में, पाकिस्तान पहुंच गया तू नेपाल के रास्ते? सर हमको बहुत तकलीफ है। तो होगा नहीं साला, यहाँ एक औरत का पेट पालने में आदमी का फट जाता है, अभी 6 बच्चा वाली औरत के लेके आया है। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे है? एक और सवाल है कि इंडिया में जैसा आपने कहा कि अब यहीं रहना चाहती हो, तो क्या क्या सीखा है इंडिया का? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। सर हम यहाँ पे बहुत कुछ सीखे हूँ, जैसे बात करना, प्रणाम करना। मैं प्रणाम करके दिखाती हूँ आपको। रुको जरा, सबर करो। अरे मुझे कहा अरे ठीक है, रहने दीजिए, पैसा वैसा ना है। क्या बात है? चलो आशीर्वाद इनको दे दिया जा रहा है। अरे और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। नाम कौन तुम्हारा? बिल्ला आजाद हैदर। बिल्ला आजाद हैदर, देखिए नाम है साला। अरे धरो के माइक चोदो के धरो। यही नहीं, अभी और सुनिए। तुम सर एकदम लंडूर आदमी है, तुमको पता नहीं चला 3 महीना से कि आदमी है कि औरत है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सर वो हमको बताने ही नहीं देता था, और हम तो आपको बोले ही थे कि हम बहुत तकलीफ में हैं। नहीं 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 सर, उनके यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। बताने ही नहीं देता था वो। तकलीफ तकलीफ क्या है तुम्हारा? अरे कहना क्या चाहते हो? अरे साल मतलब 3 महीने से वही मार रहा था जी तुम्हारा। समझ रहे? बस
आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपनी खट्टी गोली फेंक के मारो या फिर गाड़ी चढ़ा दो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।